Welcome to Time News Studios. You are watching 5 PM Bulletin. वफाकी सरकार टिन महीनों में एक भेरों बीहर एफबीआर चेयरमैन तब्दील कर छो एफबीआर चेयरमैन नौशन जावेद अमजद के अहदे हटाने जो नोटिफिकेशन जारी पाकिस्तान कस्टम सर्विस से ऑफिसर मोहम्मद जावेद गनी के एफबीआर चेयरमैन की इजाफी चार्ज दिनी वही नोटिफिकेशन में चयो है तो जावेद गनी के टिन महीन लाए इजाफी चार्ज दिनी वही है। जरिए मौजूद वफाकी काबीना के गुजरियल डी थियल इजलास में नौशन जावेद के हटाने की मंजूरी दिनी वही हुई। ना हम आखिरी चॉइस है ना हम माइनस वन है। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर बात आई तो फिर माइनस 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 थ्री होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्डर है, ये फारिग है। ये अपोजिशन रंगे हाथों पकड़ी हुई है दोनों पार्टियां केसेस में, इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कोई काफ लीग कहीं नहीं जा रही, कोई नवाज लीग की तरफ चौधरी नहीं जाएंगे। असन आखिरी चॉइस आयो नई माइनस वन थी दो वजीर आजम इमरान खान मेहनत से कम कर रो है, माइनस की गाल थी तो माइनस थ्री थी दो। वफाकी वजीर शेख रशीद चाहे तो अपोजिशन नालायक है, हुकूमत के कुछ भी नहीं कर सके, इन वक्त बाल हुकूमत की कोर्ट में है, असा के जिम्मेवारी पूरी करनी पवंदी। पीपल्स पार्टी नवाज लीग खिलाफ एडा संगीन केस है जो पैंजी जान नथ्यू छड़ा सकन। काफ लीग केडा भी न पी वे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद चाहे तो रेलवे जहाँ भाड़ा बढ़ाने वाली समरी रद्द कई वही है। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी मथा 6 जुलाई से पार्क लेन रेफरेंस में हर सूरत में फर्द जुर्म लागू करने जो फैसलो। नैब के आसिफ जरदारी से घर या अस्पताल में वीडियो लिंक जरिए फर्द जुर्म लागू करने लाए इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के रजिस्टर नैब कराची के खत लिखी छोड़ो। खत में हिदायत कई वही है तो 6 जुलाई से वीडियो लिंक जरिए जवाबदार की हाजिरी यकीनी बढ़ाई वे। चौवी कलाक लाइट कोने का अचे थी तो डिम्पुल आए बो कुछ भी कोने को रुगे तारू किरकिरान 500,000 दियूं था तो हले थी न तो नथी हले लाइट। आवाम सखर जी हथरादू जो को लोड शेडिंग का बेजार थी चुकी है और डिडक्शन बिलन जी जेकी आ भरमार लगी पई आ। ही वडो हशर लगो पियो आ असा जे मानन सा जुल्म लगो की एतरा हकीकत या दा दादा की रन एतरा जो को ना गोंडा ने जो कई जो भी न था बदन। लोड शेडिंग तमाम डाडी थे थी 4 कलाक थे थी लोड शेडिंग 2 कलाक ले थी बिन कलाकन में झाका पे दा आनन 5 कलाक ले थी 10 मिनट जो झाको आ उनी में एडी दुखाई आ त इंसान मजदूर मानु छा करे। सिंध में गर्मी और बूसर दौरान अणएलानियल लोड शेडिंग जो आसार न घटो न ढीह जो सुख न रात जो आराम शहरी बिटी अजाब के मुंह डेण लगा। कराची में मलीर लांडी शाह फैसल कॉलोनी कायदाबाद ग्रीन सिटी नाजिमाबाद और बेन इलाक में 7 से 10 कलाक तिघी लोड शेडिंग जारी। बिजली की अकबूट में शहर जो जीण हराम कर छो। हैदराबाद सखर दादू लाड़कानो नौचर फिरोज सांगड़ बेन शहर की बहराड़ी वाल इलाक में 18 कलाक लोड शेडिंग जारी। कार वहवार ठप हेस्को सेपको शहर के निधड़को कर छो। हेस्को तर्जमान है तो रीजन में लाई लॉसिस के बुनियाद लोड शेडिंग कई पी वे शहरी इलाक में 18 से 10 और बहराड़ी में 12 से 16 कलाक लोड शेडिंग थी रही है। सिंध सरकार ईसीसी तरफा के इलाक्री जवाब इदार बिजली 2 रुपया 99 पैसा महंगी करने की मुखालफत कर छी। सूबाई वजीर इस्माइल राहुल चाहे तो सूबाई हुकूमत के एतमाद में वठन भेजना बिजली महंगी कई वही। वफाकी सरकार हर महीने सिंध के अवाम से महंगाई जो बम किराए केन लुटे रही है। कराची में लोड शेडिंग खत्म करने बदरा बिजली छो महंगी कई वही। इस्माइल राहुल के इलेक्ट्रिक जवाब इदार बिजली जहाँ बधायल अग वापस न वठन की सूरत में एहतजाज जो चिता दई छो। सिंध में 2 दिन दौरान 325 पुलिस अहलकार कोरोना जो शिकार थी व्या। पुलिस तर्जुमान जो चवण है तो 16 अहलकार वायरस विघे हयाती विञाए वेठा हैं। फौज थियलन में कराची जा 14 हैदराबाद रेंज जा 2 अहलकार शामिल। सिंध में कोरोना वायरस जहाँ हाना जारी नवाबशाह में 36 नवा केस ज़ाहिर। बदीन में 5वीं उमरकोट में 4 नवा केस ज़ाहिर। घारो रूरल हेल्थ सेंटर जहाँ ब डॉक्टर्स कोरोना में वर्ची व्या। कंबर शहजादकोट में कोरोना जहाँ 27 नवा केस ज़ाहिर। चुल में डॉक्टर सूदो वधीक 4 जणा कोरोना के शिकार।
शिकारपुर में 29 शहरी कोरोना में वरची व्या मुतासर में बतू भी शामिल सखर के कंदरा थाने जा पंच पुलिस एहलकार भी कोरोना जो शिकार थी व्या दुआ मंगी के वाले धीए के बासियाब कराने लाए 25 लाख रुपया भुंग भरो जवाबदार दुआ मंगी के अफवाह करण बाद भुंग लाए इटली जो नंबर इस्तेमाल कर रहा हुआ कराची पुलिस दहशतगर्दी तोड़ अदालत में दुआ मंगी अफवाह केस जो चालान पेश कर छो पुलिस इंकशाफ किया है तो दुआ मंगी के क्लिफ्टन में वाके फ्लैट अंदर जंजीरन से बधी मोकफी बनाया वो हो जवाबदार जांच में एतराफ़ किया है तो बिस्मा के भी सागे फ्लैट में मोकफी बनाए रखो वो केस में मुजफ्फर उर्फ मूसी जोहेब कुरैशी मोहम्मद तारिक उर्फ शकील सूदो 5 जवाबदार नामजद थियल अदालत दुआ मंगी अफवाह केस जो चालान मंसूख कर वरतो शाहजैब कत्ल केस में जवाबदार शाहरुख चतोई ते परदे फरार थियण के हवाले से केस में फर्द जुर्म लागू न थी सको मलीर के मकामी अदालत में बुधनी दौरान जेल तरफा अख्तियार जवाबदार शाहरुख चतोई के पेश करण का इनकार जेल अख्तियार अदालत के बुधनी जेल अंदर करण की इस्तदा कंदे है तो ये केस इंतहाई संजीदा नोयत जो है अदालत केस में नामजद बिन ट्रेवल एजेंट्स अबू बकर सनसभा उमर डोमकी की बरियत वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती अदालत शाहरुख चतोई की चुरपुर से पाबंदी मरे केस इंदड़ बुधनी से पेश करण जो हुक्म वे छो निजकारी कमेटी में सलाहकार के शामिल करण आईन की भंजकड़ी करार नवाज लीग एमएनएस कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खत लिखी हफीज शेख सूदो बिन सलाहकार के कमेटी में निकाली दियण जो मुतालबो कर छो नवाज लीग एमएनएस है तो सलाहकार आईन तहत हलफ न खणना तेकर आईन ए जमहूरियत ज मुहाफिज ना थी सन खत में रोज वेल्ड होटल के जॉइंट वेंचर तहत हलण वो फैसलो वापस वन जो मुतालबो कदे है सारी दुनिया में होटल इंडस्ट्री बोहरान जो शिकार है अड़े वक्त में रोज वेल्ड होटल के जॉइंट वेंचर तहत दियण जो फैसलो छो कर आई जामशोर में डॉक्टर्स की लापरवाही सबब चिंची रक्षा में बार के जन्म ए फौत थियण वाले वाके जो केस लम्स इंसामिया खिलाफ दाखिल करण जो हुक्म मकामी अदालत लम्स के अगूणे एमएनएस न्यास बबर डॉक्टर शहजाद सलीम लेडी डॉक्टर जुबैदा उरूज फातिमा बन खिलाफ केस दाखिल करण जो हुक्म दे छो रक्षा में बार के जन्म दियण दौरान फौत थियल औरत फौजिया बुरफत की देर अदालत में दरख्वास्त दाखिल कराई हुई नासिन हेडलाइंस मां ॾिठियूं अव्हां खे ॿुधायूं त सूबाई वसीर सईद